पांडा रुक जा ना, पांडा अरे रुक जा ना। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, ये है पांडा बॉय। और पांडा बोल रहे पापा मुझे छोड़ दो, मैं नीचे जाऊंगा मेरा मम्मी के पास। नहीं पांडा, देखिए कैसा हो रहा है, क्या हुआ? उसका मदर नीचे मुझे देख रहा है, क्या हुआ हैं? तुम्हारे बेटे को चाहिए हैं? बेटी ओ हेलो, क्या हुआ? उसका बेटा मेरे पास है जिसकी वजह से उसका मदर नीचे चिल्ला रहे, क्या हुआ हैं? हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे। और 4-5 दिन से पांडा मेरे पास है, पांडा को उसका मदर के पास छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी उसका मदर का दूध पीता है घर में आके उल्टी कर रहा है। शायद पांडा का जो मदर है पांडा के लिए ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी पांडा दूध पी के आता है उल्टी कर देता है, 5 या 10 मिनट के बाद उल्टी कर देता है। और हम पांडा के लिए घर में सेरेलैक देते हैं, और पांडा का पेट खराब जिसकी वजह से हो रहा है मदर का दूध पी के। लेकिन पांडा को ये पता नहीं, पांडा ये सोच रहा है मैं मामा के पास जाऊंगा खेलूंगा, सुबह सुबह चिल्ला रहा है बेटा। थोड़ा तबीयत ठीक ठाक है और 2-3 दिन से कंटिन्यू उल्टी हो रहा था। और क्या हुआ बेटा? देखिए पांडा मुझे कैसे बोल रहे, पापा मेरे मामा के पास लेके चलो चलो। ओ हेलो, तुम्हारे बेटे को लेके जाऊंगा, उसका मदर भी चिल्ला रहा है। हाँ लेके जाऊंगा, ठीक है जाऊंगा लेके बेटी। क्या है बेटी? देखिए हाँ तुम्हारे बेटा मेरा पास है, तुम्हारे बेटा मेरा पास है, उसको भी पता है उसका बेटा मेरा पास है, मदर है ना इसकी वजह से चिल्ला रहा है। देखिए दोस्तों हाँ तुम्हारा बेटा मेरा पास है, ठीक ठाक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पांडा का हॉल हो गया था, और इस जगह पे हॉल हो गया था, और यहाँ पे हॉल हो गया था, और व्हाइट ब्लड सेल हो गया था, और वो ट्रीटमेंट वगैरह ठीक हुआ है। और जब भी पांडा जाता है उसका मदर के पास दूध पीने के लिए, उसका हालत भी देख सकते हो, मदर का दूध जब भी पीता है 5 या 10 मिनट के बाद उल्टी कर देता है। शायद उसका मदर का दूध उसका बॉडी में छूट नहीं कर रहा है, और मैं सेरेलैक स्टेज 1 दे रहा हूँ पांडा को, और इंजेक्शन भी ले रहा है। ये है पांडा का मेडिसिन, देखिए दोस्तों पांडा कितने मेडिसिन है, तो मैं आपको एक एक दिखाऊंगा। पहले पांडा के लिए लीफ 50 ड्रॉप है, ड्रॉप दिया जा रहा है, और ड्रॉप 4-5 दिन देने के बाद हमने पांडा को डीवॉर्मिंग किया था। ये देखिए ये एक लीवर टॉनिक है, और ये एक वार्म के लिए सिरप है। और 5 दिन के बाद जब लीफ 50 दिया उसके बाद मैंने वार्म के लिए उसको सिरप दिया था, और 1 kg में 1 ml। और देखिए और ये है जिनको भी ड्रॉप, और ये भी एक विटामिन ड्रॉप है। और पांडा को हम 4-5 ड्रॉप दे रहे हैं खाने के लिए। और जब पांडा खाना पीना छोड़ दिया उसका तबीयत ख़राब हुआ, मैंने एक दिन देखा पांडा को पेट ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से O2M दे रहा था। और जो पोपी के लिए जो स्पेशल मेडिसिन आता है हमारे यहाँ पे नहीं है, और जिसकी वजह से मैं ये ह्यूमन का जो सिरप दे रहा था पोपी को, और पोपी ठीक से नहीं खा रहा है, उल्टी खा रहा है, जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। और 2-3 दिन से पोपी इंजेक्शन ले रहा है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा ठीक ठाक है, ये देख सकते हो। और ये 0.5 दे रहा है, मैं इसको दे रहा हूँ। और पोपी को सेरेलैक स्टेज 1 दिया जा रहा है, क्योंकि पोपी को हम जब भी उसका मदर के पास लेकर जाते हैं और दूध पीता है तो आके उल्टी कर देता है। शायद उसका मदर का दूध पोपी सूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम पोपी के लिए सेरेलैक स्टेज 1 दिया है। उसके बाद ये ग्लाइको वाटर है, और पेट ठीक ठाक रखने के लिए हम इसको दे रहे हैं। देखिए तो पांडा बॉय के लिए कितना मेडिसिन है, देखिए कितना मेडिसिन है पांडा बॉय के लिए। ये जितना भी मेडिसिन है सिर्फ पांडा बॉय के लिए, और हम चाहते हैं पांडा ठीक ठाक हो जाए। और आपका प्रे चाहिए, प्रे कीजिए पांडा ठीक ठाक रहे और उसका मदर के साथ खेलने लगे। और दोस्तों जितना भी मेडिसिन है ये पांडा बॉय के लिए, तो मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूँ पांडा के लिए प्रे कीजिए, और जैसे हर टाइम मुझे आप सपोर्टिंग देते हैं सपोर्टिंग दीजिए। तो
तो ये लीफ टू सिरप है, सॉरी लीफ टू ड्रॉप है, ये है जिन का भी ड्रॉप, और ये ओ टू एम है, और ये वार्म के लिए। और जैसे उसका पेट ख़राब हो गया, काम नहीं किया, तो इसको मैं बंद कर दिया और इंजेक्शन में दे रहा हूँ। और ये सी उसके लिए फूड है, सेरेलैक्स स्टेज वन, देख सकते हो 6 मंथ का, और ये पेट ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। मदर मुझे देख के कैसे चिल्ला रहा है, तुम्हारा बेटे मेरा पास है। ओ हेलो, हाँ मैं लेकर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, माँ है ना, हाँ मैं लेकर जा रहा हूँ बेटा। देखिए ये मैं पांडा बहुत चिल्ला रहा है, मैं जानता हूँ। पांडा रुक जाओ ना, पांडा, अरे रुक जाओ ना।